राम राम जी। सोशल वॉइस हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। आज हमारे साथ महम से विधायक भाई बलराज कुंडू जी है और उनसे जानते हैं किस उद्देश्य से कलायत हल्का में आए हैं। सबसे पहले कुंडू साहब, आपका हमारे कलायत हल्के में पहुंचने पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, ये बताइए, जैसा आपने कैलरम और तित्र में बहन बेटियों के लिए बस की सेवा शुरू की है, ये हरियाणा कितने टोटल गाँव में बस सेवा शुरू की है? क्योंकि मेरे महम में जब भी उसके बाद में यात्रा के दौरान यहाँ आया है, जो लोगों का प्यार और उत्साह अपनापन यहाँ महसूस किया, तो मैंने ये महसूस करके कि जो सेवाएं मेरे महम में मैंने दे रखी हैं, यहाँ की हमारी बहन बेटियों को भी उसकी जरूरत है, उसी के लिए मैं घोषणा करके गया था। और आज उसी घोषणा को पूर्ण करते हुए मैंने एक बस यहाँ कैलरम तित्रम की हमारी उन गुड़ियाओं छोटी बहन बेटियों के लिए दी है, ताकि वो सुरक्षित सफ़र करके अपनी हायर एजुकेशन को दे सकें और शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे आप बड़े से बड़ी जो हो पद को पा सकते हैं, बड़े भविष्य को और देश के लिए कुछ करने का पूरा कर सकते हैं। जो काम कलायत की हल्का में डांडा जी ने करना था, वो काम जनसेवक मंच श्री बलराज कुंडू जी कर रहे हैं, जो कि एक नेक कार्य है। तो सर, ये बताइए, आपने पिछले दिनों पैदल यात्रा की थी, तो उसका लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? उस यात्रा से मैंने लोगों के कोई जागृति पैदा की है, लोगों को इस आज की लूट और झूठ की राजनीति के प्रति, इन राजघरानों की दुकान जो लूट की दुकान है, उसके प्रति जागरूक किया है। उसका करंट और असर वो एक विस्फोटक के रूप में आपको आगे देखने को मिला था। और आने वाले विधानसभा के अंदर जनसेवक मंच के माध्यम से हम ऐसा विकल्प इस प्रदेश के लोगों को देने जा रहे हैं, जिससे इस प्रदेश के मुद्दों की राजनीति हो, प्रदेश के युवा के भविष्य की राजनीति हो, प्रदेश के किसान को खुशहाल करने की राजनीति हो, प्रदेश के गरीब के उत्थान की राजनीति हो, इस प्रदेश से अपराध और नशे को दूर करने की राजनीति हो, इस प्रदेश को खुशहाल बनाने की राजनीति हो, इस प्रदेश का जो आज हालात है, हर वर्ग त्रस्त और परेशान है, उसको दूर करके हम हिंदुस्तान में नंबर वन खुशहाल और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर इस प्रदेश को देने की सोच के साथ में लोगों को जगाने के लिए निकला। तो सर, ये बताइए, प्रदेश में 10 लोकसभा सीट और 90 विधानसभा सीट है, हर सीट से अपने कैंडिडेट आएंगे जनसेवक मंच से? ये आगे सबसे मिलकर उसका निर्णय लिया जाएगा, सभी प्रदेश के लोगों से, प्रदेश के भाई, 36 बिरादरी के भाईचारे से मिलकर इसका निर्णय लेकर आगे उसके काम करेंगे। तो सर, ये बताइए, कलायत हल्का से कोई चेहरा हो जनसेवक मंच का? ये तो कलायत के लोगों को मैंने अपील की है कि मुझे मेरे जैसी सोच का ईमानदार और नेक, पढ़ा लिखा, ऊर्जावान, बुद्धिमान ऐसा कोई चेहरा आप यहाँ से मुझे दें, ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश की खुशहाली के, कलायत की खुशहाली के, हम उसको विधानसभा में ले जाकर उसको लड़ाई लड़ सकें। हरियाणा की राजनीति में सर गठबंधन होते रहते हैं, क्या जनसेवक मंच भी किसी पार्टी से गठबंधन करेगा? ये समय के साथ डिपेंड करता है, आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे। जनसेवक मंच संगठित हो चुका है, तो आपने वायदा भी किया कि प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसान मजदूर व्यापारियों के लिए कोई अलग से मैनिफेस्टो हो, उनकी खुशहाली के लिए काम किया जाएगा, इस प्रदेश के युवा का भविष्य बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, गरीब को उद्धार करने के लिए तो लड़ाई लड़ेगी। तो सर, प्रदेश की बहन बेटियां दिल्ली में धरना दे रही है और सरकार उनकी तरफ नए समर्थन कर रही है, परेशान कर रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है, मेरा पूर्ण समर्थन, मैं वहाँ भी गया हूँ, जितर करके उनका समर्थन करके आया हूँ, और अभी पाई में चल रहे उनके पक्ष के धरने पर भी मैं भी जा रहा हूँ, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो हमारे देश के कोहिनूर, हमारी शान, वो बहने जिन्होंने गोल्ड मेडल लाकर विश्व स्तर पर हमारे देश और प्रदेश और झंडे का नाम ऊँचा किया है, आज वो बेटियाँ जो वो मेडल लेके आए, तो प्रदेश और देश का मुखिया अपने घर पर दावती देकर उनकी तारीफ में कसीदे पड़ रहा था, टीवी और चैनल पर, अखबारों में जो बड़ी बड़ी खबर न्यूज़ चल रही थी, आज वही बेटियाँ उनके साथ हुए शोषण के लिए, न्याय मांगने के लिए बैठी हैं, और कोई उनकी सुध बुद्ध नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज पूरा देश उनके साथ है और उनको न्याय दिलवा के ही रहेगा, इस बात के लिए सब उनके साथ में दिल से उनके साथ खड़े हैं, और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। इनकी मानसिकता सरकार की, केंद्र और प्रदेश की सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, वो किस प्रकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ की मानसिकता है, किस प्रकार के नारी सशक्तिकरण की वो झूठी बातें करते हैं, इस जुमलेबाज सरकार का, जुमलेबाज सरकार के लोगों का, नेताओं का असली चेहरा आज प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है, और उसी की वजह से कर्नाटक में जो लोगों ने अपना एक सोच इस पार्टी और सरकार के प्रति दर्शाकर इनको वहाँ धूल चढ़ाने का काम किया, ये शुरुआत
शुरुआत है, ये पूरे देश में अब इनके साथ ऐसी। तो सर जैसे आप पूरे प्रदेश की आवाज़ उठाते हो, कलायत विधानसभा की टूटी सड़कों की भी आवाज़ उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ मैम से विधायक भाई बलराज कुंडू जी। तो जल्दी सोशल वॉइस हरियाणा पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।